أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله मैं सलमान रशीद आपके साथ हूं और जैसे कि मैंने आपसे पहले जिक्र किया था कि फायर सेक्शन जो है हमारा पावर का उसके जो फायर ट्रक्स हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो फायर ट्रक्स हैं हमारे पास, एक मर्सिडीज़ का है और दूसरा जो है मान का है। तो इस वक्त मैं आपको मर्सिडीज़ वाला जो फायर ट्रक है इसके बारे में बताऊँगा। ओके जनाब, ये हमारा फायर ट्रक है जिसको हम FT1 भी कहते हैं और ये मर्सिडीज़ का फायर ट्रक है। अब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी फायर ट्रक के लिए, जैसे अब इस वक्त आप इसके ऊपर एक नंबर देख रहे हैं 1523, इसका मतलब ये है कि ये 15 टन इसका वेट है, 15 टन का ये फायर ट्रक है और 230 हॉर्स पावर जो है ये इसकी पावर है। और अगर मैं इसको आपको दिखाता जाऊँ, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको अच्छे से समझ लेनी है। अगर आप इसको यहाँ से देखते हैं तो किसी भी फायर ट्रक के अंदर दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ जो आप देख रहे हैं ये इसका चेसी है, जैसे मैंने बताया कि इसका जो चेसी है ये मर्सिडीज़ का है। इसके बाद आता है सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर आप ये देखें, ड्राइवर केबिन है, इसके साथ साथ जो हमारा क्रू केबिन है वो होता है, उसके बाद का जितना भी एरिया है ये आपका सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है। अब ये डिपेंड करता है कि सुपर स्ट्रक्चर कौन सी कंपनी ने बनाया है। नॉर्मली अगर आप कोई फायर ट्रक इम्पोर्ट कर रहे होते हैं तो वो जिस कंपनी का आपका, नॉर्मली ऐसा होता है कि फायर ट्रक जिस चेसी पे बना गया है वही कंपनी नॉर्मली उसको मैन्युफैक्चर कर रही होती है। पाकिस्तान में डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो अलग कंपनियों के चेसी लेती हैं और उसके ऊपर फिर सुपर स्ट्रक्चर बना रही होती हैं। तो सुपर स्ट्रक्चर की जब भी हम बात करेंगे तो इसका मतलब होता है कि इसके ऊपर फोम का टैंक है, इसके अंदर पानी का टैंक है, इसके अंदर जितनी भी एसेसरीज़ हैं, ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको इस वक्त नज़र आ रहा है ये सुपर स्ट्रक्चर है और वो एक किसी खास कंपनी ने बनाया होता है। जो सुपर स्ट्रक्चर है हमारा वो इंडोनेशिया का बना हुआ है। तो दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ कि फायर ट्रक हमारा मर्सिडीज़ का है, इसका चेसी मर्सिडीज़ का है और सुपर स्ट्रक्चर जो है ये इंडोनेशिया में बना है। अब थोड़ा सा मैं आपको क्लोज़र लुक देता हूँ। ये इसका जनाब ड्राइवर केबिन है, ठीक है जी, और ये आपको बाकबोर्ड भी नज़र आ रहा होगा और इसके अंदर तमाम वो नॉर्मली फंक्शंस मौजूद हैं जो किसी भी फायर ट्रक में होते हैं, कि एमरजेंसी लाइट्स, एमरजेंसी सायरन, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं। इसके साथ जो दूसरा केबिन होता है ये क्रू केबिन होता है। अब इस क्रू केबिन में अगर आप हमारे वाले क्रू केबिन में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि जो फायर फाइटर्स ने इसको यूज़ करना है, जो आज ड्यूटी पे होते हैं, उन्होंने अपने टर्न आउट गियर को, जैसे हमने पहले भी आपको दिखाया था, टर्न आउट गियर को अपने हेलमेट्स को यहाँ पे हैंग किया हुआ है। और नीचे अगर आप देखेंगे तो इनका जो टर्न आउट गियर का जो लोअर है उन्होंने अपने शूज़ के साथ एडजस्ट किया हुआ है। और फिर यहाँ पर साइड पर अगर आप देखें तो ये इनकी सीट्स हैं, अपनी सीट्स पर ये बैठ जाते हैं, जैसे भी कोई एमरजेंसी कॉल होती है, जिस कपड़ों में भी होते हैं उसी में यहाँ पर आके बैठ जाते हैं, क्योंकि 24/7 ये यहाँ पर रहते हैं, तो जब भी कोई कॉल आती है ये उसी हालत में उठ के आ जाते हैं। और फिर यहाँ पे जब तक गाड़ी इंसिडेंट साइड पे पहुँचती है तो ये अपनी सीट पे बैठ जाते हैं और फिर टर्न आउट गियर को प्रॉपरली बड़े तेज़ी के साथ वेयर करते हैं। और साथ में आपको सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपरेटस भी नज़र आ रहा है और एट दी एंड अगर इसकी ज़रूरत है तो यहाँ के बैठ जाते हैं और सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपरेटस को वेयर कर रहे होते हैं। फायर ट्रक जो है हमारा ये मल्टीपर्पज़ फायर ट्रक है। मल्टीपर्पज़ का मतलब है कि इसके अंदर तीन ऑप्शन मौजूद हैं, इसके अंदर पानी भी मौजूद है, इसके अंदर फोम भी मौजूद है और इसके अंदर ड्राई केमिकल पाउडर भी मौजूद है। आजकल ज़्यादातर जो मल्टीपर्पज़ फायर ट्रक होते हैं उसमें ये तीनों ऑप्शन मौजूद होते हैं। कुछ फायर ट्रक ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ वाटर बाउजर का काम कर रहे होते हैं और उसके अंदर एक बड़ी कैपेसिटी में पानी होता है। कुछ रिफाइनरीज़ के अंदर ऐसे फायर ट्रक होते हैं जिसके अंदर फोम की सप्लाई होती है बल्क के अंदर, क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोकार्बन मौजूद हैं रिफाइनरी में, तो उसके अंदर फोम की बल्क सप्लाई चाहिए होती है और वो हाइड्रेंट से कनेक्शन दे देते हैं गाड़ी को और फिर परसेंटेज के हिसाब से फोम जो है उसके अंदर मिक्स हो रहा होता है, तो बड़े अच्छे तरीके पर फायर फाइटिंग हो रही होती है। तो ये जो हमारे पास दोनों फायर ट्रक हैं दोनों मल्टीपर्पज़ हैं। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आपको सामने में दिखाऊं तो ये ग्लोरिया का हमारे पास ड्राई पाउडर का सिस्टम नज़र आ रहा है, ड्राई केमिकल का। और ये ड्राई केमिकल का जो सिस्टम है ये तकरीबन 250 kg का है और इसके अंदर जो नाइट्रोजन का सिलेंडर है ये तकरीबन 26 kg की इसकी कैपेसिटी है। और ये दो आपको इसकी ड्राई केमिकल की होज रील्स नज़र आ रही हैं, दो फायर फाइटर जो है इसको यूज़ कर सकते हैं और दो डिफरेंट एंगल से ये इसको लेकर फायर फाइटिंग कर सकते हैं। इसके साथ इमरजेंसी यूज़ के लिए हमने इसके अंदर पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर भी इंस्टॉल किया हुआ है, इसके अंदर स्ट्रेचर्स भी मौजूद हैं, इसके अंदर यूटिलिटी रोप भी मौजूद है और इसके अंदर एक बहुत अच्छा सा कटर भी मौजूद है। इस कटर का फ़ायदा ये है कि कहीं भी अगर हमें कोई लॉक को ब्रेक करना है, किसी चेन वगैरह को हमने काटना है, तो उस सूरत में ये हमारे बड़े अच्छे तरीके पे काम आएगा और इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा एक और टूल है जो कि यहाँ पर मौजूद है। ये डिस्प्ले के लिए हमने अभी बाहर रखा हुआ है। अब आगे चलते हैं तो मैं साथ साथ आपको बताता चला जाता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो जगह अगर आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो जगह है, नॉर्मली अगर आप अमेरिकन फायर ट्रक को देखेंगे तो उनका जो पंप होता है वो मिड शिप माउंटेड होता है।
मिडशिप माउंटेड से मुराद ये है कि उनका पंप बिल्कुल सेंटर में लगा होता है, ठीक है। और यहाँ पे उनका एक पैनल होता है और उनका जो फायर ट्रक ड्राइवर है वो यहाँ पे खड़ा हो जाता है पीटीओ लगाने के बाद, और सारी चीज़ें वो पैनल से कंट्रोल कर रहा होता है। तो चूंकि पंप फायर ट्रक के बिल्कुल सेंटर में होता है, उसको मिडशिप माउंटेड पंप कहा जाता है। पाकिस्तान में आपको 95% से ज़्यादा जो फायर ट्रक्स हैं उनके अंदर जो फायर पंप है वो आपको पिछले एरिया में लगा हुआ मिलेगा, जिसको हम कहते हैं रेयर शिप माउंटेड पंप। तो इसके अंदर भी और मान के अंदर भी दोनों जगह जो हमारा फायर पंप लगा हुआ है वो रेयर शिप माउंटेड है, यानी पिछले हिस्से में लगा हुआ है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था। मैंने कहा आपको बता दूं कि जब भी आप कोई अमेरिकन या ब्रिटिश फायर टेंडर देखेंगे तो उसके अंदर जो पैनल है वो सेंटर में होता है, क्योंकि पंप उसका सेंटर में है, तो उसको मिडशिप माउंटेड कहते हैं पंप को, और जो रेयर साइड पर होगा वो रेयर शिप माउंटेड है। तो हमारे पास भी पंप रेयर शिप माउंटेड है। जो पंप है हमारे पास ये 3000 लीटर पर मिनट के हिसाब से फ्लो दे रहा होता है 10 बार के ऊपर, और जो हमारे पास ऊपर मॉनिटर है वो भी कहना चाहिए जो फ्लो दे रहा होता है वो 1600 लीटर पर मिनट है, और तकरीबन 175 मीटर तक का ये थ्रो फेंक रहा होता है। विंड डायरेक्शन हमारी फेवर में होगी तो थ्रो और ज़्यादा अच्छा बढ़ जाता है। अब यहाँ पर अगर हम रेयर साइड की तरफ आते हैं सुपर स्ट्रक्चर की तरफ, तो यहाँ पर हमने होजेस फायर होजेस को यहाँ पर रखा हुआ है। जो ज़्यादातर फायर होजेस हमारे पास हैं वो एंगस की हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताता चलूँ कि मैं अगर कभी भी किसी ब्रांड का जिक्र कर रहा हूँ तो मैं ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे काम नहीं कर रहा हूँ। जो चीज़ हमारे पास मौजूद है मैं वो आपको बता रहा हूँ, तो मैं किसी ब्रांड को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ जो हमारे पास है, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है क्वालिटी के हिसाब से उसको हम परचेज़ कर रहे होते हैं। तो एंगस के हमारे पास होजेज़ हैं, 100 फीट की भी है, 75 फीट की भी है, इसके अंदर 1.5 इंच डाई की भी हैं और 2.5 इंच डाई की भी हैं, एज़ पर जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। फिर अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास स्पेशल होज रील्स हैं, और ये होज रील जो है हमारे दोनों एंड पे हैं, राइट साइड पे भी है और लेफ्ट साइड पे भी है, और इसके साथ एक बूस्टर पंप लगा हुआ है जो इसके प्रेशर को अच्छे तरीके पे इन्हांस कर देता है। तो इसके थ्रू भी हम कहना चाहिए इंसिपिएंट फायर जो होती हैं ऑर्डिनरी स्टेज की और क्लास ए फायर होती हैं तो उनको भी हम बड़े अच्छे तरीके पे इन होज रील के थ्रू एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। फिर अगर आप बॉटम पे देखेंगे तो हमने ड्राई केमिकल पाउडर जो है हमारे पास वो मौजूद है, ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद है, इसके बाद यहाँ पे स्टेनर्स मौजूद हैं, इसके बाद यहाँ पे फोम मेकिंग ब्रांच पाइप है। इसकी चूंकि अपनी फिटिंग है जो हमने सुपर स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको बनवाया था, तो ये बड़ी अच्छी तरीके पे इसकी फिटिंग आई हुई है। ये जो होज़ आपको नज़र आ रही है ये 50 फीट की होज़ है, और ये बड़ी अच्छी एंगस की सप्लाई होज़ है। अगर आप फायर होज़ को देखेंगे दोबारा, फायर होज़ वाला मेरा व्लॉग देखेंगे, तो सप्लाई होज़ का मतलब होता है कि जब आपको बल्क में सप्लाई चाहिए होती है और आप फायर हाइड्रेंट का जो पंपर कनेक्शन होता है वहाँ से होज़ का कनेक्शन लेते हैं, लगाते हैं, और फायर ट्रक का जो मेन इनलेट होता है वहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। अगर आपके पास बड़ा कनेक्शन नहीं है, आपके पास छोटे इनलेट्स हैं, तो फिर आप क्या करते हैं कि वहाँ पे आप कलेक्टिंग हेड लगा देते हैं और उसके थ्रू बल्क में पानी की सप्लाई आप ले रहे होते हैं। तो ये इक्विपमेंट यहाँ पे इस तरफ मौजूद है, और यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 आउटलेट दिए हुए हैं। ये हमारा पंप है जिसकी मैंने आपसे बात की थी, 4 आउटलेट दिए हुए हैं, और हर आउटलेट के ऊपर हमने ये होज होल्डर लगाया हुआ है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अगर कभी भी ये कहना चाहिए हमारी होज डिसमेंटल होती है तो ये उसको होल्ड करके रखता है, और किसी किस्म के भी एक्सीडेंट से हम बच सकते हैं। तो चारों आउटलेट्स पे हमने ये सिस्टम लगाया हुआ है, और इसी तरह से इस तरफ अगर हम आते हैं तो यहाँ पे भी हमने इसी तरह का सिस्टम लगाया हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास फायर होजेज़ मौजूद हैं, इसी तरह से होज रिले स्टैंड की मौजूद है। यहाँ पे आपको ये याद होगा ब्लिट्स फायर का ये मॉनिटर, 2 मॉनिटर हमारे पास मौजूद हैं जो एज़ पर रिक्वायरमेंट हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं। पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ भी मौजूद हैं, फायर होज रील मौजूद है हमारे पास। इस तरफ जब आते हैं तो ये टैंक फिलिंग है, यहाँ से हम टैंक फिल कर रहे होते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास एक टैंक फिलिंग का कहना चाहिए ऑप्शन मौजूद है, प्रोविज़न है कि जब भी हम यहाँ पे अपनी ड्रिल वगैरह कर रहे होते हैं तो हम साथ में फायर ट्रक को फिलिंग पे लगा देते हैं, ताकि कोई भी इमरजेंसी आए इस ड्रिल के दौरान में तो हमारे पास जो टैंक की सप्लाई है या टैंक का जो लेवल है वो कम ना हो और हम उसको हर वक्त मेंटेन करके रखें। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास बहुत सारा इक्विपमेंट मौजूद है। 2-way कलेक्टिंग हेड है हमारे पास, डिवाइडिंग ब्रीचिंग कलेक्टिंग हेड है, डबल फीमेल है, सक्शन एडॉप्टर है, हाइड्रोशील है, डिफरेंट डबल मेल, डबल फीमेल, मेल टू फीमेल, ये सारी होजेज मौजूद हैं। होज बैंडेज है, होज बकेट है, इसी तरह से रेस्क्यू पुली है, वायर रोप है। फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गाइडलाइन है, केमिकल सूट्स हैं। ऊपर हमारे पास यस रेस्क्यू और यूटिलिटी रोप्स हैं, रेनकोट्स हैं, स्ट्रेचर स्ट्रैप है, रेस्क्यू ट्रॉल बैग है हमारे पास, फायर ब्लैंकेट्स हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। ओके जी, वेलकम बैक। असल में थोड़ा सा इंटरप्शन आया कि कासिम वहाँ से भागते हुए आया और उन्होंने कहा पीछे से पेपर दिखा के कि यार आपने तो इसकी कैपेसिटी बताई नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच कासिम, मैं भूल गया था, जो हमारे पास वाटर टैंक है वो 4000 लीटर का है, जो हमारे पास फोम का टैंक है उसकी कैपेसिटी 500 लीटर की है। अब ये तमाम चीज़ें मैंने आपको दिखा दी, इसका थोड़ा सा मैं आपको डिस्प्ले भी दिखा देता हूँ।
ये स्टंप से आगे की तरफ मूव हो जाता है और इसके अंदर ये तमाम हमारा इक्विपमेंट मौजूद है, डिवाइडिंग ब्रीचिंग है डिफरेंट टाइप की, हमारे पास यहाँ पे नोजल्स मौजूद हैं, आपको एक्रॉन नोजल हमने दिखाई थी, एक्रॉन नोजल भी है जो डिफरेंट टाइप की, हमने आपको हैंड कंट्रोल नोजल्स दिखाई थी, हमारे पास वो भी है। तो ये तमाम इक्विपमेंट हमारा यहाँ पर मौजूद है और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है इस इक्विपमेंट की तो इस इक्विपमेंट को हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। ओके जनाब, इस वक्त फायर ट्रक आपके सामने नज़र आ रहा है और इस वक्त जो मैं आपको चीज़ें बताना चाह रहा हूँ वो मैं सीक्वेंस से बताता जाता हूँ। पहली बात ये कि ये जो ट्रक है हमारा, ये मल्टीपर्पज़ फायर ट्रक है। मल्टीपर्पज़ का मतलब ये है कि इसके अंदर पानी भी है, इसके अंदर फोम भी है, इसके अंदर ड्राई केमिकल भी है। अब एक एक करके इनकी अगर मैं कैपेसिटीज़ आपको बताऊँ तो पानी का जो है इसके अंदर जो टैंक है उसकी कैपेसिटी 4000 लीटर है, फोम जो है वो 500 लीटर है और जो ड्राई केमिकल का टैंक है वो 250 kg का है और उसके साथ एक 26 kg का नाइट्रोजन का सिलेंडर लगा हुआ है। तो इस तरह से ये उस नाइट्रोजन सिलेंडर के थ्रू प्रेशराइज और वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि किसी भी गाड़ी को जब आपने ऑपरेट करना है तो फायर ट्रक के अंदर जो है दो शाफ्ट होती हैं, एक शाफ्ट जो होती है जो कि गाड़ी को मूव कर रही होती है और उस वक्त जो दूसरी शाफ्ट होती है जो कि पीटीओ को चलाती है, पंप को चला रही होती है, वो उस वक्त स्टेशनरी होती है, वो नहीं चल रही होती। तो जैसे ही आपने फायर ट्रक को ऑपरेट करना है तो फायर टेंडर ऑपरेटर जो है वो क्या करता है, वो पीटीओ लगाता है। पीटीओ जैसे ही वो लगाता है यानी कि पावर टेक ऑफ कर देता है गाड़ी के केबिन से, गाड़ी के कहने से पंप के पैनल के ऊपर। तो पावर टेक ऑफ हो गई गाड़ी के केबिन से गाड़ी के पैनल के ऊपर, पीटीओ उसको कहते हैं पावर टेक ऑफ। अब क्या होगा, जो मेन शाफ्ट है वो स्टेशनरी हो जाएगी, वो रुक जाएगी और पंप के एंड पे जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी जो शाफ्ट है वो चलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, अब यहाँ से हमने गाड़ी को ऑपरेट करना है। गाड़ी को ऑपरेट करने के लिए अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हमने बताया आपको इस गाड़ी के अंदर जिगलर का पंप लगा हुआ है और पीछे इसका पानी का टैंक है। अब पानी के टैंक को हमने ओपन करना है। पानी के टैंक को ओपन करने के लिए हमारे पास यहाँ पे जो सिस्टम है वो न्यूमेटिक है यानी एयर से चलने वाला है और उसके ऊपर SOV सेलेनाइड ऑपरेटेड वाल्व है। तो जैसे ही यहाँ से मैं सक्शन वाटर फ्रॉम टैंकर को बटन को प्रेस करूँगा, इस बटन को प्रेस करते ही न्यूमेटिकली वो बटन ऑन हो जाएगा और पानी जो है फ़ौरन से इस पंप के अंदर आ जाएगा। अब जब पानी इसके अंदर आ गया तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं फिर इसके RPM को बढ़ाऊँगा, ठीक है, राउंड्स पर मिनट को मैं बढ़ाऊँगा और ये तकरीबन 5 bar से ऊपर होना चाहिए। ठीक है जी, अब 5 bar से ऊपर हमारे पास इसके ऊपर प्रेशर आ गया तो फिर इसके बाद ये इंडिविजुअल डिलीवरीज हैं। इस फायर ट्रक के अंदर जो है 4 deliveries हैं पानी के लिए, जिसको हम फोम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और हर एक के साथ जैसे कि आपने देखा हमने होस होल्डर लगाया हुआ है तो होस होल्डर में से होस को कपल निकाला और यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह से किसी भी किस्म के हम हादसे से बच सकते हैं कि अगर होस डिसकनेक्ट हो गई तो। अब यहाँ से फायर फाइटिंग हो रही है और आप पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कूलिंग कर रहे हैं, जो कुछ भी आपने करना है। अब नेक्स्ट स्टेप पे अगर मुझे फोम चाहिए और मैं फायर ट्रक फायर टेंडर ऑपरेटर हूँ, FTO हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मुझे फिर फोम को ऑन करना है। फोम को ऑन करने के लिए अगर आप यहाँ देखें तो येलो कलर का बटन दिया हुआ है ताकि बड़े आराम से याद हो जाए कि यार ये येलो कलर का मतलब ये फोम का बटन है। तो यहाँ से मैं इसका न्यूमेटिक सिस्टम ऑन करूँगा और पीछे जो न्यूमेटिक वाल्व लगा हुआ है SOV के थ्रू वो उसको ऑपरेट कर देगा। ऑपरेट करते ही फोम जो है इस लाइन से होता हुआ यहाँ तक पहुँच जाएगा और यहाँ पे ये 3% मौजूद है, उसको हमने 3% पे हमने इसको फिक्स किया हुआ है तो फोम यहाँ तक पहुँच जाएगा। अब फोम यहीं तक रुका रहेगा, फोम यहाँ से अंदर नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर प्रेशर हाई है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो पानी का प्रेशर जा रहा है तो मैं इस वाल्व को खोलूँगा, इस वाल्व को खोलूँगा तो ये तो जितना भी हाई प्रेशर है वो सीधा यहाँ पर आएगा और हाई प्रेशर पानी जैसे ही अंदर जाएगा तो यहाँ एक वेंचरी क्रिएट होगी, उसके थ्रू 3% के हिसाब से वो फोम को अंदर लेता रहेगा और उसके बाद पंप में फोम आ जाएगा और जिस डिलीवरी को मैं खोलना चाहता हूँ उसी डिलीवरी से मैंने फोम की सप्लाई देनी है, उसी डिलीवरी को मैं खोल दूँगा और इसी तरह से फोम की सप्लाई वहाँ चली जाएगी। तो ये तरीक़ेकार है, इस तरह से हम फायर फाइटिंग भी कर रहे हैं, इसी तरह से हम फोम का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और इस तरीके को अडॉप्ट करते हुए कोई भी फायर ट्रक ड्राइवर जो है वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये तरीके कार है। अब अगर मैं पहली वाली आपको गेज दिखाता हूँ, ये पहली वाली गेज हमारी वैक्यूम इनलेट इंडिकेटर है कि जब भी हमने गाड़ी से प्राइमिंग करनी है यानी हमने नेगेटिव प्रेशर से किसी पॉन्ड से किसी रिवर से किसी सी से, ठीक है ना, वेल से हमें पानी को सक करना है तो पानी को सक करने के लिए जब हम यहाँ से सक्शन होजेस को लगाएंगे और आखिर में स्टेनर लगाएंगे, वो मेटालिक स्टेनर भी हो सकता है, वो आपका बास्केट स्टेनर भी हो सकता है ताकि उसके अंदर डेब्रिज वगैरह ना आए, उसको लगाने के बाद फिर ये नेगेटिव पे चला जाता है और नेगेटिव प्रेशर पे एक्चुअली इसका काम क्या होता है कि पानी के लेवल से यहाँ तक बीच में जितने भी एयर है उस एयर को रिमूव कर देता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और फिर पंप जो है पानी को उठा लेता है। इसके बाद वाली जो है ये फोम टैंक का लेवल इंडिकेटर है जो फोम टैंक के लेवल को बताता है। इसी तरह से फिर ये हाई प्रेशर इंडिकेटर है, ये जो हमारी दोनों होज रील है, मैंने आपको बताया कि दोनों होज रील जो है ये इसके अंदर एक बूस्टर पंप लगा हुआ है जो कि बैक एंड पे लगा हुआ है, ये उसका प्रेशर बताता है। फिर ये वाटर टैंक का लेवल इंडिकेटर है, बताता है कि वाटर टैंक का लेवल इंडिकेटर क्या होगा। इस वक्त चूँकि गाड़ी ऑफ है
इसलिए अभी कुछ नहीं बता रहा ये। फिर इसके बाद फिर लो प्रेशर इंडिकेटर है कि जैसे ही मैं पंप को ऑन करूँगा और जितना मैंने प्रेशर बढ़ाना है, 5 bar पे लाना है, 5 se upar लेके जाना है, 10 pe लाना है, 11 pe 12 pe, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ से देख रहा हूँ। तो सारी चीज़ें यहाँ से पंप ऑपरेटर जो ऑपरेट कर रहा होगा, इंजन को इसने स्टॉप करना है तो यहाँ से बटन को प्रेस कर देगा, इंजन स्टॉप हो जाएगा। तो ये तरीक़ेकार है जिसके थ्रू यहाँ से हम इन तमाम चीज़ों को कनेक्ट कर रहे होते हैं। और इस तरह से हमने पानी चाहिए, पानी की हम सप्लाई दे रहे होते हैं, फोम चाहिए, फोम को ऑन कर देंगे और इस तरह से ये सप्लाई दे रहे होंगे। हमारे पास सिस्टम ये न्यूमेटिक है, कुछ गाड़ियों में मैनुअल भी होता है। मैनुअली आप टैंक का वाल्व खोल देंगे, इस तरह से होगा, फोम की लाइन का वाल्व खोल देंगे, आगे इसी तरह से 3% के थ्रू जा रहा होगा। या डिफरेंट गाड़ियों में डिफरेंट ऑपरेशन हो सकता है आपका। अगर मिडशिप माउंटेड है उसमें कोई और सिस्टम हो सकता है, आपकी गाड़ी किसी और ने मैन्युफैक्चर की है उसका सिस्टम कुछ और हो सकता है, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल जो है वो इसी तरह से गाड़ियाँ ऑपरेट होती हैं, फायर ट्रक ऑपरेट हो रहा होता है। अब मैं आपको इसके बाद एक वीडियो भी दिखाता हूँ कि इस वक्त क्या कंडीशन है पीडीओ की और जब हम पीडीओ लगाएंगे तो उस वक्त क्या कंडीशन है, ताकि आपको अच्छी तरह से ये पावर टेक ऑफ वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। क्योंकि बहुत सारे फायरमैन जब जा रहे होते हैं इंटरव्यू के लिए, उनसे जब पीडीओ का पूछा जाता है तो उनको नहीं पता होता, या सिंपल बता देते हैं पीडीओ मतलब पावर टेक ऑफ काम कैसे करता है, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। तो इसलिए ये वीडियो बनाइए ताकि आपको अच्छी तरह से इसका पूरा ऑपरेशन समझ में आ जाए। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ हमने गाड़ी के टैंक को फिल करना है। एक तरीका तो जैसे ये था कि आपने सक्शन कर ली है, अब सक्शन के बाद पानी आपने नेगेटिव प्रेशर से उठा रहे हैं, अब आप फायर फाइटिंग करना चाहते हैं फायर फाइटिंग करें, आपने टैंक को फिल करना है टैंक को फिल करें। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन हैं, हम इसके थ्रू भी टैंक को फिल कर सकते हैं, हमारे पास एक ओवरहेड का वहाँ पर सिस्टम दिया हुआ है, हम ओवरहेड के थ्रू भी फिल कर सकते हैं, और हमारे पास एक बॉटम इंजेक्शन भी दिया हुआ है, हम बॉटम के थ्रू भी अपने टैंक को फिल कर सकते हैं किसी भी पॉजिटिव प्रेशर सोर्स से, कि पानी प्रेशर से आ रहे हैं, हमने उसको कनेक्ट कर दिया है। ओके जी, ये फायर ट्रक की इस वक्त आपको टॉप दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये 45 फीट की एक्सटेंशन लैडर है, ठीक है जी। इसके साथ फिर हमारे पास वो, अगर आप सामने देखेंगे तो अल्कल रेजिस्टेंस फोम है, इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि MSDS के हिसाब से कुछ हमारे पास पेंट ऐसे हैं जो कि नॉर्मल फोम से उनकी फायर एक्सटिंग्विश नहीं होगी। तो उसके लिए हमने तकरीबन 50 लीटर इसमें रखा हुआ है, 50 लीटर दूसरे ट्रक में है, तो 100 लीटर हमारे पास यहाँ अल्कोहल रेजिस्टेंस फोम है। पर ये आप सामने देख रहे हैं 25 लीटर की हमारे पास 4 जेरिकेन्स हैं, और ये इसके अंदर नॉर्मल AFFF फोम है जो कि हमारे फायर ट्रक के बैकअप के लिए है। तो 500 लीटर अंदर हो गया, एक एक्स्ट्रा 600 लीटर 100 एक्स्ट्रा हो गया हमारे पास, तो 600 लीटर हो गया। और सामने आपको सेक्शन होजेस नज़र आ रही हैं, एक स्क्वायर व्हील है, ट्रैफिक कोन्स हैं, और ये हमारा मॉनिटर है। ओके जी, ये मैंने आपको सोचा था कि बताऊं फायर ट्रक के बारे में कि हमारे पास फायर ट्रक है, तो ये छोटा सा एक ब्लॉग इसके लिए था। लेकिन याद रखिएगा कि इंशाल्लाह मैं ये ज़रूर आपको एक और ब्लॉग बना के बताऊँगा कि NFPA की गाइडेंस क्या है फायर ट्रक्स के बारे में, और NFPA का कोड और स्टैंडर्ड क्या कहता है, कितनी टाइप के फायर ट्रक्स होते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं, इसके लिए एक अलग ब्लॉग बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो चैनल को देखते रहिए, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इस आपके लिए तो कुछ भी नहीं है लेकिन इससे हमारी बड़ी हेल्प हो जाएगी। सो उसको देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।